जी जी बाबा जी, हॉस्पिटल में ही हूँ मैं। हाँ जी। नहीं भैया, तो अभी तक अंदर है, डॉक्टर्स ने कुछ बताया भी नहीं। पता नहीं बाबा जान क्या हो गया, किसकी नजर लग गई है मुझे और भैया को। अब तो हमारा रिश्ता भी इतना अच्छा हो गया था, इतने खुश थे हम दोनों एक दूसरे के साथ। जी जी मैं एक पैर पे खड़ा यहीं ड्यूटी दूंगा, आप बेफिक्र हो जाइए। जी सदके के बकरों का भी कह दिया बाबा जान, जैसे ही डॉक्टर्स कुछ बताते हैं मैं आपको बताऊंगा। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। बात सुनो, तुम्हारी बीवी का हर मौके पर ड्रामा करना बहुत जरूरी होता है, कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती, बेहोश हो जाती है। मैं तो खुद बहुत बेजार आ गया हूँ इससे मामा, बस जल्दी जल्दी जान छूट जाए किसी तरह इससे। एक वली को देखो, कितनी अच्छी लड़की मिली है जिससे वो शादी कर रहा है, एक तुम हो, तुम्हारे साथ ये ड्रामेबाज। हाँ तो ये ड्रामेबाज बाबा जान की मेहरबानी की वजह से मेरे साथ है, वरना ये मेरी क्लास की कहाँ है, कब का बाहर निकाल के फेंक देता इसे। इसे तो घर भेजो, ये बजात क्यों हमारे सर पर मंडला रहा है, इसके खून में तो मिलावट है, ये चाहता है कि हमारी आने वाली नस्लों में भी मिलावट हो। बिया का सगा बना हुआ है, इसीलिए तो खड़ा हुआ है वो। अरे मामा खड़ा है तो खड़े रहने देना उसे, आपको क्या कह रहा है, पहले कम तमाशे हुए हैं कि अब वो कुछ सुन लेगा तो नया तमाशा कर देगा। तो सुन ले, मैं तो चाहती हूँ कि वो सुने और जाए अपनी बसात माँ के पास। एक मिनट। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, कैसी है अबिया? पेशेंट से आपका क्या रिश्ता है, हस्बैंड हैं आप उनके? जी नहीं, मैं शौहर हूं बिया का। कैसी है बिया? उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, घर में कोई स्ट्रेस था, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम चल रही थी? नहीं नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है बिया, हम दोनों तो आपस में बहुत खुश हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। इनफैक्ट मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो एक्सपेक्ट कर रही है। आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं हमसे? उनको किसी किस्म की एंजाइटी है, आई बिलीव उनको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। नर्वस ब्रेकडाउन? ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मेरी बिया वो तो इतनी हस्ती खेलती, उसका नर्वस ब्रेकडाउन कैसे हो सकता है? मामा ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज मुझे बता दीजिए, मेरी बिया ठीक तो है ना, उसे कुछ होगा तो नहीं? अभी वो रिकवर कर रही है वैसे तो, लेकिन ये है कि नर्वस ब्रेकडाउन और एंजाइटी के अंदर फिर पेशेंट में थोड़ा टाइम लगता है, चीजें अनप्रेडिक्टेड होती हैं। और मेरा बच्चा वो तो ठीक है ना? देखिए गिरने की वजह से और उनके ट्रॉमा की वजह से हम बच्चे को नहीं बचा सके, अब अल्लाह से दुआ करें इंशाल्लाह बेहतरी। सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि इंसान नहीं हो तुम, जानवर हो, जानवर। टेंशन ना ले मामा, भैया ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपने देखा है मामा कैसे बकवास करके गया मेरे सामने से? इससे क्या होता है दानियाल, तुम तो शुक्र करो इस बच्चे से तुम्हारी जान छूट गई, इस मनोज से भी जान छूट जाएगी, फिर तुम अपनी जिंदगी सुकून से गुजारना। मुझे तो यही उम्मीद थी कि ये शादी करके अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब तुम्हारे बाबा जान से मुझे बात करनी होगी। अगर ये बिया का इतना ही सगा है तो उससे शादी कर लेता ना, तुम्हें क्यों फंसाया? नहीं मामा नहीं, ये ऐसे बाज नहीं आएगा। आज इसका निकाह है और ये यहां खड़ा है, जो कुछ भी करना है उसके लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा हमारे पास। क्या मतलब?
मैं बताता हूं आपको। देखिए, गिरने की वजह से और उनके ट्रॉमा की वजह से हम बच्चे को नहीं बचा सके। सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।